अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक है, यकीनन ठीक होंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लोग बारिशों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इसी बरसात के मौसम में मैं आज बनाई है चिकन तंदूरी। ये देखें, ये मसाला लगा के मैंने चिकन तंदूरी को रख दिया था। शाम में 5 घंटे तक मैंने मसाला लगा के रखा, तमाम मसाले लगा के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। चिकन तंदूरी मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। अब मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में, देखें ये माइक्रोवेव ओवन में मैंने चिकन तंदूरी रख दी है। और इसका टेम्परेचर ये देखें, 200 पे रखा है मैंने टेम्परेचर। और ये 1 घंटे का इसको लगा दिया है मैंने 1 घंटे पे। और ये मेरा चिकन तंदूरी तकरीबन 1 घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम तुम्हें दिखाऊंगी, मेरे माइक्रोवेव ओवन में चिकन तंदूरी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे सामने है नाजरीन, ये हमारा चिकन तंदूरी तैयार हो रहा है। और बाकी मैरिनेट रखा ये रखा हुआ है, जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसे डालेंगे और फिर आपको अपना फाइनल लुक दिखाएंगे फिर चिकन तंदूरी का। अभी चिकन तंदूरी तैयार हो रहा है और फिर हम आपको ये मज़ेदार चिकन तंदूरी दिखाएंगे। तो आपसे ये गुजारिश है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को बार बार देखें, ताकि आप लोगों की राय का मुझे और अपनी राय बल्कि मुझे जो है ना कमेंट्स में देते रहा करें, ताकि मैं मुझसे कोई गलती हो तो मैं उसे सुधार सकूं। और ये चिकन तंदूरी है, इसमें तमाम मसाले लगाए मैंने। अब मसाले की मैं वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था। और ये मैरिनेट रखा है मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे, और इसके बाद मैंने ये बनाना शुरू कर दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश अभी भी हो रही है, ये देखें गीला हो रहा है, ये बारिश हो रही है, रात का टाइम है। और ये देखें बादल अभी भी हो रहे हैं, रात में अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे आपको बेशक, लेकिन बारिश हो रही है। ये देखें ये पानी अभी भी है छत पर हमारी, और मैं छत पर ही ये बार भी टिक्का बना रही हूँ तंदूरी। ये पानी है अभी भी, बच्चे आए हुए हैं, खूब मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। ये देखें, और ये मेरा चिकन तंदूरी तैयार हो रहा है आपके सामने। ये देखें माइक्रोवेव ओवन में चिकन तंदूरी तैयार हो रहा है। और इसके बाद हम जब ये हमारा पक जाएगा, फिर इसके बाद मैं आपको यारा चिकन तंदूरी पका हुआ बिल्कुल फाइनल दिखाऊंगी। उसके बाद हम इसको ये रख दे इसमें रख देंगे, तब तक हम इसे ढाँप के रख देते हैं। और ये हमारी एक पौध दही है जिसका हम रायता बनाएंगे, दही का इसमें हरी चटनी बना के और उसके साथ खाएंगे चिकन तंदूरी के साथ। उनके साथ तंदूरी के साथ ये बनाएंगे। और हमारा चिकन तंदूरी तैयार हो रहा है, ये देखें